नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आ पहुंचा हूं कौसाम्बी ज़िले के प्रभासगिरी पर्वत पर। लोकल भाषा में इसको पभोसा पहाड़ भी कहा जाता है। यहां पर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों मतावलंबियों के लिए यहां पर मंदिर बनाया गया हुआ है। यहां पर जो दुर्गा देवी का मंदिर है वो कहा जाता है कि सन 1824 में बनाया गया था। और यहाँ पर जो जैन मंदिर है वो जैन मतावलंबी जो छठे तीर्थंकर थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उसके उपरांत यहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रसाद स्वरूप यहाँ पर खिचड़ी वितरित की जाती है, जिसमें आसपास के जिलों बांदा, महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौसाम्बी से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो आइए चलते हैं और वीडियो में दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कब आएँ, रास्ता कैसा है, क्या क्या चीज। प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये प्रभासगिरी पर्वत। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप दो रास्ते, एक कानपुर हाईवे और दूसरा स्टेट हाईवे 19 को फॉलो करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जो रास्ता खूबसूरत है वो स्टेट हाईवे 19 का है, जो कि आपको करारी होते हुए प्रभासगिरी पर्वत या पभोसा गांव की ओर ले जाता है। बारिश के बाद यहाँ पर पहुँचने का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा होता है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। रास्ते के दोनों तरफ आपको हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं और यहाँ पर आबादी भी कम है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सड़क पर दिखाई नहीं देती है। आवागमन हेतु गाड़ियाँ भी यहाँ पर कम चलती हैं, खाने पीने के साधन कम मिलते हैं। पभोसा से आपको लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले दाहिनी ओर मुड़ना है और फिर आपको सीधे चले जाना है। आप पभोसा में गूगल मैप के माध्यम से भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आप गूगल मैप में लोकेशन आप पभोसा डालेंगे और आप डायरेक्ट ही यहां पर बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकते हैं। दूर से इस वीडियो में जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है यही पभोसा पहाड़ है और दूर से ही ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहा जाता है कि ये पहाड़ विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का एक हिस्सा रहा है, जो कि आधुनिक समय में उस श्रृंखला से कट गया है। आज के समय में यहाँ पर इसकी दो चोटी ही बची हुई है। जैन मंदिर का पूरा हिस्सा लगभग बंद ही रहता है। यहाँ पर आपको कोई मेले का नहीं, जगह जगह पे यहाँ पर ताले लटके हुए हैं, लेकिन इस पर्वत पर आपको जैन मंदिर से जुड़े हुए काफ़ी ऐतिहासिक तथ्य भी देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मंदिर जाने को ये रास्ता दिख रहा है, अंदर ये बंद तो है लेकिन यहाँ पर भगवान पद्म प्रभु से जुड़े हुए आपको उनके पदचिन्ह और उनके अनुयायियों के भी पदचिन्ह यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे। ये बहुत ही यहाँ पर आकर जैन मतावलंबी आकर इसकी पूजा भी करते हैं। ये आप देख रहे हैं उनके पदचिन्हों के निशान है। ये काफी ऐतिहासिक है, ये लगभग 200 साल पुराने ये पदचिन्हों के निशान है जो कि आज भी हैं। इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहा जाता है
कि जैन धर्म के छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म यही इसी कौशाम्बी जिले में हुआ था और उन्होंने इसी प्रभासगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। और ये भी कहा जाता है कि उन्हें मकर संक्रांति के दिन इसी पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से इस मंदिर पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद से हर मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और यहीं पे ही आपको हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म के मतावलंबी आते हैं और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का यहाँ पर दान किया जाता है। जैन मंदिर से बहुला धाम यानी दुर्गा देवी मंदिर की तरफ आप इन पहाड़ी रास्तों से भी जा सकते हैं और ये रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत है। गांव के लोग इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, वो सीढ़ी के रास्ते नहीं जाते हैं क्योंकि ये समय भी बचाता है और इन रास्तों पर चलने में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। अभी मैं पभूसा पहाड़ी के एकदम बीच पे खड़ा हूँ और अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर में आपको यमुना नदी दिखाई देगी। दाएं तरफ आप देखेंगे तो ये इस मंदिर पे देवी दुर्गा माता का मंदिर है और बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो जैन मुनि का यहाँ पर मंदिर है और बीच में है ये रास्ता जहाँ से आप दोनों तरफ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं और बारिश के मौसम में तो काफ़ी लोग हैं, आज के दिन छुट्टी के दिन भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं और चढ़ने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर पहुँचने के बाद आपको मंदिर के प्रांगण दिखाई देता है। इस दुर्गा देवी जी के मंदिर को बहुला धाम के भी नाम से जाना जाता है, लोगों के बीच ये बहुला धाम के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो सन्यासी पूजा अर्चना करते हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मंदिर के अंदर काफ़ी राजस्थानी चीज़ों का प्रयोग किया हुआ है और वो सनातन धर्म के पुजारी हैं तो वो हिंदू धर्म को काफ़ी बढ़ावा देते हैं और राजस्थानी संस्कृति को भी वो काफ़ी भली भांति जानते हैं। मंदिर के बगल से आप देखेंगे तो यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, काफ़ी शांति है यहाँ पर। यहाँ पर जो बाबा हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान से यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। ये देखिए मंदिर से लगा हुआ यमुना जी का बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे और बारिश का मौसम होने के नाते ये पानी मटमैला है। वैसे तो ये पानी हरे रंग का रहता है लेकिन बारिश के मौसम में ये आपको मटमैला हो जाता है बारिश के कारण। वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने पर आपको पास में ही एक जैन धर्मशाला मिलती है, वहां पर भी मैं आपको अभी ले चलूंगा और दिखाऊंगा क्या है उस धर्मशाला के अंदर। मंदिर से नीचे उतरने पर आपको एक छोटी सी जैन धर्मशाला मिलती है जहाँ पर एक छोटा सा संग्रहालय भी है। इस धर्मशाला में रुकने का जो साधारण किराया है वो 300 रुपये है जबकि एसी कमरे का रुकने का किराया लगभग 1500 रुपये है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। और इस संग्रहालय में आपको लगभग 16वीं से 18वीं शताब्दी की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं।
इस संग्रहालय में आपको 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे पुराना यहाँ पर आपको मूर्ति मिलेगी वो 16वीं शताब्दी को मिलेगी, और यहाँ पर भगवान श्री पद्म प्रभु का एक काले रंग की भी मूर्ति है जो कि लगभग 20वीं शताब्दी की है। और यहाँ पर जो 16वीं शताब्दी की मूर्तियाँ रखी हैं वो काफ़ी जर्जर स्थिति में हैं, लेकिन उनको उठाकर यहाँ संग्रहालय में व्यवस्थित रूप से रख दिया गया हुआ है। यह मंदिर दिन में आपका 2 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। उसके बाद ये मंदिर भक्तगणों के लिए खोला जाता है। 2 बजे से पहले भी यह मंदिर खुला रहता है, तो आप जब भी कौशाम्बी आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। यह मंदिर बहुत ही धार्मिक और आस्था का प्रतीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।